जाम है सुगंध पुष्टि वर्धनम उर्वारुक वंदना मृत्यु मोक्षि अमानता त्वापर में शिव सतयुग में शिव त्रेता में शिव कलयुग में शिव चारों युग में शिव के सत्ता शिव के बिना हिलता नहीं पनपता। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज की कथा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम भोले बाबा की वो कथा सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका रोम रोम शिवमय हो जाएगा। तन मन से रोग द्वेष निराशा जैसे विकार दूर हो जाएंगे। धर्म ग्रंथों में बताया गया है कि इस कथा को सुनने से रोग द्वेष साप नष्ट हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, ऐसे में इस कथा का महत्व और भी अत्यधिक बढ़ जाता है। शनि देव ने शिव जी को गुरु बनाया था। सोमनाथ भगवान 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग है। तो चलिए आइए भोले बाबा के कथा का रसपान करते हैं और हम सभी अपने तन मन को पवित्र और आनंदित करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए कथा का श्रवण करते हैं। राजा दक्ष चांद कुसा चांद किए शिव नाम गजा चांद कुसी सीने से लगा मस्तक पे अपने बैठान। जब राजा दक्ष ने अपनी 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा के साथ कर दिया तो वे बहुत प्रसन्न हुईं। पत्नी के रूप में दक्ष कन्याओं को प्राप्त कर चंद्रमा बहुत सुशोभित हुए और दक्ष कन्याएं भी अपने स्वामी के रूप में चंद्रमा को प्राप्त कर सभी कन्याएं भी इस विवाह से प्रसन्न थी। चंद्रमा की उन 27 पत्नियों में रोहिणी सबसे ज्यादा प्रिय थी, जिसको वे विशेष आदर तथा प्रेम देते थे। उनका इतना प्रेम अन्य पत्नियों से नहीं था। चंद्रमा की अपनी तरफ उदासीनता और अपेक्षा देखकर रोहिणी के अलावा बाकी दक्ष पुत्रियां बहुत दुखी हुईं। वे सभी अपने पिता दक्ष की शरण में गईं और उनसे कहा कि पिताजी, हमारे पति चंद्रमा हमें उतना प्रेम नहीं करते जितना कि हमारी दीदी रोहिणी को करते हैं। और इस प्रकार उन्होंने अपने कष्टों का वर्णन किया। अपनी पुत्रियों की व्यथा और चंद्रमा के दुर्व्यवहार को सुनकर दक्ष बड़े दुखी हुए। उन्होंने चंद्रमा से भेंट की और शांतिपूर्ण कहा, कला निधि, तुमने निर्मल व पवित्र कुल में जन्म लिया है, फिर भी तुम अपनी पत्नियों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी भी पत्नियां हैं उनके प्रति तुम्हारे मन में प्रेम कम और अधिक है, ऐसा सौतेला व्यवहार क्यों है? तुम किसी को अधिक प्यार करते हो और किसी को कम प्यार करते हो, ऐसा क्यों करते हो? अब तक जो व्यवहार किया है वह ठीक नहीं है, फिर भी आगे ऐसा व्यवहार तुम्हें नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति आत्मजनों के साथ विषमता पूर्वक व्यवहार करता है उसे नर्क में जाना पड़ता है। इस प्रकार प्रजापति दक्ष ने अपने दामाद चंद्रमा को प्रेम पूर्वक समझाया, चंद्रमा में सुधार हो जाए ऐसा सोचा। प्रजापति दक्ष वापस लौट गए। इतना समझाने पर भी चंद्रमा ने अपने ससुर प्रजापति दक्ष की बात नहीं मानी। रोहिणी की प्रति अतिशय आसक्ति के कारण उन्होंने अपने कर्तव्य की अवहेलना की तथा अपनी अन्य पत्नियों का भी ख्याल नहीं रखा और उन सभी से उदासीन रहे। दोबारा समाचार प्राप्त कर प्रजापति दक्ष बड़े दुखी हुए। वे पुनः चंद्रमा के पास आकर उन्हें उत्तम नीति द्वारा समझाने लगे। दक्ष ने चंद्रमा से न्यायोचित बर्ताव करने की प्रार्थना की। उस वक्त चंद्रदेव ने अपने ससुर दक्ष को आश्वासन दिया कि वे अपनी सभी पत्नियों को वापस अपने लोक लेकर आएंगे और उन्हें समान व्यवहार करेंगे, उन्हें प्रेम करेंगे। इस प्रकार का आश्वासन चंद्रमा अपने ससुर दक्ष को दे देते हैं। प्रजापति दक्ष वहां से वापस लौट आते हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा ने अपनी आदतें नहीं सुधारी। उनका वही व्यवहार उसी प्रकार से बना रहा। पुत्रियों के फिर से कहे जाने के कारण
प्रजापति दक्ष और अत्यंत दुखी हो गए। बार बार आग्रह करने पर भी चंद्रमा ने अवहेलना पूर्वक जब दक्ष की बात नहीं मानी, तब उन्होंने चंद्रमा को श्राप दे दिया। दक्ष ने कहा कि मेरे आग्रह पर भी तुमने मेरी बात नहीं मानी, अवज्ञा की, इसीलिए तुम्हें क्षय रोग हो जाए। दक्ष द्वारा श्राप देने के साथ ही क्षण भर में चंद्रमा क्षय रोग से ग्रसित हो गए। उनके छिड़ होते ही सर्वत्र हाहाकार मच गया। सभी देवगण व ऋषिगण भी चिंतित हो गए। परेशान चंद्रमा ने अपनी व्यवस्था अपने अस्वस्थ होने के कारण की सूचना इंद्र आदि देवताओं को तथा ऋषियों को दी। इसके बाद उनकी सहायता के लिए इंद्र आदि देवता तथा विशिष्ट आदि ऋषिगण ब्रह्मा जी के शरण में गए। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि वो घटना जो हो गई है उसे तो भुगतना ही है, क्योंकि दक्ष के निश्चय को पलटा नहीं जा सकता। उनके बाद ब्रह्मा जी ने उन देवताओं को एक उत्तम उपाय बताया। ब्रह्मा जी ने कहा कि चंद्रमा देवताओं के साथ कल्याण कारक सुप्रयास क्षेत्र में चले जाएं, वहां पर विधि पूर्वक शुभ मृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते हुए श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव की आराधना करें, अपने सामने शिवलिंग की स्थापना करें, प्रतिदिन कठिन तपस्या करें। इनकी साधना और तपस्या से तब भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे, तो वे इन्हें क्षय रोग से मुक्त कर देंगे। पितामह ब्रह्मा की आज्ञा को सुनकर देवता और ऋषियों के संरक्षण में चंद्रमा देव मंडल सहित प्रभास क्षेत्र में पहुंच गए। वे महामृत्युंजय मंत्र का जाप तथा भगवान की उपासना में तल्लीन हो गए। ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार चंद्रमा ने 6 महीने तक निरंतर तप किया और ऋषभ ध्वज का पूजन किया, 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप तथा ध्यान करते हुए चंद्रमा स्थिर चित से वहां निरंतर खड़े रहे। उनकी तपस्या से भक्त वत्सल भगवान शंकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चंद्रमा से कहा, चंद्रदेव तुम्हारा कल्याण हो, तुम जिसके लिए यह कठोर तप कर रहे हो उस अभिलाषा को बताओ, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा, मैं तुम्हें उत्तम वर प्रदान करूंगा। चंद्रमा ने प्रार्थना करते हुए विनय पूर्वक कहा, देवेश्वर आप मेरे सब अपराधों को क्षमा करें और मेरे शरीर के इस क्षय रोग को दूर करें। भगवान शिव ने तपस्या से प्रसन्न होकर चंद्रदेव से वर मांगने के लिए कहा। इस पर चंद्रदेव ने वर मांगा कि हे भगवान, आप मुझे इस श्राप से मुक्ति दिलाइए और मेरे सारे अपराध क्षमा कीजिए। इस श्राप को पूरी तरह समाप्त करना भगवान शिव के लिए संभव नहीं था, अतः मध्य का मार्ग निकाला गया। उन्होंने कहा, चंद्रदेव तुम्हारी कला प्रतिदिन एक पक्ष में क्षीण हो जाएगी, जबकि दूसरे पक्ष में प्रतिदिन वह निरंतर बढ़ती रहेगी। इस प्रकार तुम स्वस्थ और लोक सम्मान के योग्य हो जाओगे। भगवान शिव का कृपा रूपी प्रसाद प्राप्त कर चंद्रदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक शंकर की स्तुति की। ऐसी स्थिति में निराकार शिव उनकी दृढ़ भक्ति को देखकर साकार लिंग रूप में प्रकट हुए और संसार में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने चंद्रमा को वरदान दिया और कहा, हे चंद्रदेव आज के बाद मैं सोमनाथ के नाम से जाना जाऊंगा, जो कि तुम मेरे भक्त हो। आज से मैं तुम्हें अपने मस्तक पर धारण करता हूँ। मस्तक दे चंदा को लगाए, इसीलिए सोमनाथ कहलाए। सोमवार का व्रत जो करते हैं, की झोली शिवजी भरते हैं। प्रिय दर्शकों, अब आइए अपनी दूसरी कथा की तरफ प्रस्थान करते हैं। हमारी दूसरी कथा भगवान कृष्ण से और भगवान सोमनाथ से जुड़ी हुई है, तो चलिए आइए हम जानते हैं अपनी दूसरी कथा को। लोक कथाओं के अनुसार महाभारत युद्ध खत्म होने के बाद 36 साल बाद जब यादव कुल मद में आ गए, आपस में लड़ने लगे। इसी कलह से परेशान होकर भगवान श्री कृष्ण ने वर्तमान में जिस स्थान पर सोमनाथ मंदिर स्थापित है उसी स्थान पर अपने संपूर्ण कुल को समाप्त कर दिया। कृष्ण
सोमनाथ मंदिर से तकरीबन 7 किलोमीटर दूर वैराल के इसी जगह पर विश्राम करने आ गए। वे ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे, तभी जरा नाम के भील को कुछ चमकता हुआ नजर आया। उसे लगा यह किसी मृग की आंख है और बस उस ओर तीर छोड़ दिया, जो सीधे श्री कृष्ण के पाए पैर में जा धसा। जब जरा करीब पहुंचा तो देखकर अचंभित हो गया, उसे बड़ा ही दुख हुआ। भगवान से उसकी माफी मांगने लगा। जिसे उसने मृग की आंख समझा था वह कृष्ण के बाएं पैर का पद था जो चमक रहा था। भील जरा को समझाते हुए कृष्ण ने कहा, क्यों व्यर्थ ही विलाप कर रहे हो, जो भी हुआ वो नियति है, दरअसल ये मेरी ही माया है। अगले जन्म में त्रेता युग में तुम बाली थे, जिसे मैंने पेड़ की ओट से होकर तुम्हारा वध किया था, और इस जन्म में तुम्हारे ही हाथों मेरी मृत्यु होने वाली थी, तो यह योग माया है, तुम इसके लिए विलाप ना करो। इस धरती से मेरा जाने का वक्त आ चुका है, अब मैं वैकुंठ धाम को वापस प्रस्थान करूंगा। बाढ़ लगने से घायल भगवान कृष्ण भालका से थोड़ी दूर पर स्थित हिरण नदी के किनारे पहुंचे। कहा जाता है कि इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण विलीन हो गए। तो दोस्तों, इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण भी सोमनाथ मंदिर से जुड़े हुए हैं। आज भी भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति सोमनाथ मंदिर में स्थापित है, जो कि शयन मुद्रा में लेटे हुए हैं, जिस प्रकार उनको तीर लगी थी, और सामने जरा नामक भील भी बैठा हुआ है। इस प्रकार से सोमनाथ की महिमा अपरंपार है। प्रेम से बोलिए सोमनाथ भगवान की जय। अब आइए जान लेते हैं इस तीर्थ स्थान से जुड़ी हुई कुछ खास बातें, कुछ खास रहस्य। हिंदू धर्म के शिव पुराण में सभी ज्योतिर्लिंगों की जानकारी दी गई है। सभी ज्योतिर्लिंगों में से गुजरात का सोमनाथ मंदिर सबसे पहला ज्योतिर्लिंग है और खास है। सोमनाथ मंदिर की ऊंचाई 155 फीट है। ये मंदिर भगवान शिव शंकर को समर्पित है। जब आप मंदिर के अंदर जाएंगे तो आपको मंदिर के ऊपर एक कलश दिखाई देगा। इस कलश का वजन 10 टन है। यहाँ लहरा रहे ध्वज की ऊंचाई 27 फीट है और अगर इसकी परिधि की बात करें तो 1 फीट बताई जाती है। मंदिर के अंदर आते ही चारों ओर विशाल आंगन दिखाई देगा। मंदिर को 3 भागों में विभाजित किया गया है। और दूसरा तथ्य, अगर आप सोमनाथ मंदिर का इतिहास पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि समय समय पर सोमनाथ मंदिर पर कई बार आक्रमण किया गया। सोमनाथ मंदिर में तोड़ फोड़ भी की गई। आपको बता दें कि सोमनाथ मंदिर पर कुल 17 बार आक्रमण हुए और हर बार मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया गया। और एक सबसे आश्चर्यजनक बात, समुद्र के किनारे मंदिर के दक्षिण में एक बाढ़ स्तंभ है। ये बाढ़ स्तंभ बहुत प्राचीन है। इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है कि इसे कब बनाया गया था, लेकिन इतिहास की गहराइयों में जाने के बाद 6वीं शताब्दी में बाढ़ स्तंभ का उल्लेख इतिहास में मिलता है। इसके जानकार बताते हैं कि बाढ़ स्तंभ एक दिशादर्शक स्तंभ है, जिसके ऊपरी सिरे पर एक तीर बाढ़ लगाया गया है, जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाढ़ स्तंभ पर लिखा है, इसका यह मतलब है कि समुद्र के इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधे रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है, कि सोमनाथ मंदिर के ऊपर बिंदु से लेकर दक्षिण ध्रुव तक अर्थात अंटार्कटिका तक सीधी रेखा खींची जाए तो बीच में एक भी पहाड़ या भूखंड का टुकड़ा नहीं आता है। है ना सबसे रोचक बात। सोमनाथ मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि चंद्रदेव ने इस मंदिर का निर्माण सोने से करवाया था, रवि ने चांदी से, इसके बाद श्री कृष्ण ने काष्ठ से यानी कि लकड़ी से इस मंदिर का निर्माण करवाया। पहली बार पत्थरों से सोमनाथ मंदिर का निर्माण राजा भीम देव ने करवाया था। तो इस प्रकार से यह मंदिर एक बार सोने, फिर चांदी, उसके बाद लकड़ी और अंततः यह पत्थर से बनाया गया। पुराने समय में यह मंदिर अत्यंत धनी और वैभव से संपन्न था। इसमें अनेकों प्रकार की रत्ने, मणि, रत्न, हीरे जड़े हुए थे, जो कि बाहरी आक्रमणकारी
मोहम्मद गजनवी लूटकर ले गया और इस पर कई बार आक्रमण किए गए। कुल मिलाकर मोहम्मद गजनवी ने 17 बार आक्रमण किया था, लेकिन बार बार इसका पुनः निर्माण कराया गया। तो यह है हमारी सोमनाथ मंदिर की विशेषता और भगवान सोमनाथ का महिमा। प्रिय दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको भगवान सोमनाथ की यह कथा अत्यंत पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी है तो एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। कर्पूर गौरम कृतावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे प्रभु पंचानन राजे हंसानन गरुड़ासन हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन शाजे। जय शिव ओंकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे प्रभु दस भुज अति सोहे तीनों रूप निखरते तीनों रूप निखरते त्रिभुवन जन मोहे। जय शिव ओंकारा छर माला वन माला गरु माला धारी प्रभु गरुड़ माला धारी त्रिपुरारी कंसारी त्रिपुरारी कंसारी करमाला धारी। जय शिव ओंकारा पीतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे प्रभु बाघंबर अंगे सनकादिक गरुड़ादिक भूतादिक शंगे कर मध्ये कुश मंडलु चक्र त्रिशूल धारी प्रभु चक्र त्रिशूल धारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। जय शिव ओंकारा त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई नर गावे प्रभु जो कोई नर गावे भजत शिवानंद स्वामी मन वांछित पावे। जय शिव ओंकारा जय शिव ओंकारा भज शिव ओंकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। जय शिव ओंकारा।